तो इस वीडियो में मैं एनिमल फिल्म की पूरी स्टोरी प्रिडिक्ट करने वाला हूँ, फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये हमेशा की तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, जिसमें हम पॉइंट वाइज हर एक सीन के बारे में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इनकेस अगर आपने ऐसा किया तो आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। और हाँ, इस वीडियो की एंडिंग को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा सस्पेंस है बॉबी देओल के कैरेक्टर से रिलेटेड, वो इस वीडियो के लास्ट में रिवील होगा। पॉइंट नंबर वन, फिल्म की कहानी डेफिनेटली रणबीर कपूर के कैरेक्टर की पूरी जर्नी को कवर करेगी, जहां पे ऐसा दिखाया जाएगा कि उसके बचपन में जो उसके फादर होते हैं यानी अनिल कपूर, वो बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक होते हैं एंड प्रोबेबली वो कोई इलीगल बिजनेस भी करते हैं, और साथ ही में वो अपने बिजनेस में इतने ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि वो अपनी फैमिली को और स्पेशली अपने बेटे यानी रणबीर कपूर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, रणबीर कपूर के कैरेक्टर के अपब्रिंगिंग में बहुत सारे फ्लॉज आ जाते हैं, जो एक पेरेंटल गाइडेंस बच्चे को मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है, और इसी वजह से अपने डैड जिनको वो एक सुपर हीरो मानता है उनकी अटेंशन के लिए वो हमेशा क्रेव करता रहता है। इनफैक्ट वो उनकी तरह बनना भी चाहता है, लेकिन एक प्रॉपर वैलिडेशन कि हाँ वो एक अच्छा बेटा है, ये उसको अपने डैड से कभी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस लैक ऑफ अपब्रिंगिंग की वजह से रणबीर कपूर के कैरेक्टर के जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होते हैं। उसका पूरा बचपन सॉर्ट ऑफ एक ट्रॉमा से गुजरता है, प्लस उसके कुछ फैमिली मेंबर्स भी उसको यही फील कराते हैं कि वो अपने खानदान में मिसफिट है और जो उनका बड़ा एम्पायर और बिजनेस है वो उसको संभालने के लिए बिल्कुल भी केपेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद ऐसा दिखाया जा सकता है कि रणबीर प्रोबेबली किसी बात पे गुस्सा कर या फिर अपनी हायर स्टडीज के लिए अपने घर से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, जहां वो रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर से मिलता है। उन दोनों के बीच में थोड़ा प्यार होता है एंड आई एम श्योर उनकी लव स्टोरी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। थोड़ी बहुत लव स्टोरी दिखाने के बाद ऐसा दिखाया जाएगा कि रश्मिका अपनी फैमिली से रिबेल करके रणबीर के साथ सेटल हो जाती है, जिसके बाद इनकी शादी भी हो जाती है और दो बच्चे भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश की जाएगी कि रणबीर का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन एक जो डीप अंडर करेंट है जो उसने बचपन में ट्रॉमा झेला है वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो भले ही लाइफ में कितना भी मूव ऑन कर जाए, लेकिन उसके फादर का नेग्लिजेंस जो कि उसके माइंड में डीपली इंस्टॉल हो चुका है वो उसके दिमाग से कभी नहीं निकल पाता है, और इसी वजह से वो कॉन्स्टेंटली अपने फादर के साथ एक लव और हेट रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है। लव इसलिए क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार भी करता है, उनके जैसा बनना भी चाहता है, और हेट इसलिए क्योंकि वो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल नहीं पाता कि जो उसके ग्रोइंग ईयर्स थे उस वक्त पे उसके डैड ने उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। ये सारी चीजें धीरे धीरे उसके अंदर बिल्डअप करती रहती है और उसके अंदर का जो एनिमल है वो पैदा होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक दिन न्यूज आती है कि अनिल कपूर के कैरेक्टर को गोल्फ खेलते टाइम किसी ने चेस्ट पे गोली मार दी। ये न्यूज सुन के रणबीर कपूर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ वापस अपने घर आ जाता है, वो पूरे बिजनेस का और पूरे एम्पायर का चार्ज भी अपने हाथों में ले लेता है, और साथ में ये भी ओथ लेता है कि जिसने भी उसके फादर को मारने की कोशिश की है वो उसकी गर्दन काट देगा। अब इसके पीछे दो रीजन होते हैं। सबसे पहला इसलिए क्योंकि वो अपने फादर से प्यार भी बहुत ज्यादा करता है, तो इस वजह से किसी ने भी उसके फादर को हाथ लगाया ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। लेकिन इसका सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर वो अपने फादर को अटैक करने वाले इंसान को मार गिराता है तो फाइनली उसको अपने फादर से वो वैलिडेशन मिल जाएगा जिसके लिए वो बचपन से तरस रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद उसकी वो मॉन्स्टर वाली जर्नी शुरू होती है, जहां पे वो अपने अंदर के एनिमल को अनलीश करना शुरू कर देता है। वो उन सभी लोग को हंट करता है जिसपे उसको शक होता है कि वो उनके फादर को मार सकते हैं, और इसी फेज में हमको बहुत सारा एक्शन, बहुत सारी ब्रुटैलिटी और वॉयलेंस देखने को मिलेगा। जो गन वाला शॉट हमने ट्रेलर में देखा था वो भी इसी फेज का पार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद रश्मिका का कैरेक्टर के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाती हैं। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया था जिसके अंदर इतना बड़ा एनिमल छुपा हुआ था, विच इज बिकॉज वो जब यंग रणबीर से मिली थी तो वो बहुत ही ज्यादा काम और सॉफ्ट स्पोकन इंसान था, लेकिन जिस रणबीर को वो अब देख रही है वो बहुत ही बड़ा वाला मॉन्स्टर है, एक ऐसा असैसिन जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने फादर का बदला चाहिए, और ऐसे में उसके रास्ते में जितने भी लोग आते हैं वो उन सभी को मार गिराता है। एंड एग्जैक्टली यही रीजन है कि रश्मिका का कैरेक्टर रणबीर से बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाता है, वो लाइफ से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो ये तक कह देती है कि ये दिन देखने से तो बेहतर होता कि तुम्हारे डैड एक्चुअली मर चुके होते, क्योंकि ऐसे में तुम इतने बड़े वाले दरिंदे नहीं बनते। नेक्स्ट पॉइंट, तो जब ऐसे में रणबीर का कैरेक्टर और भी वाइल्ड होता जाता है तो एक दिन उसको फाइनली पता चलता है कि इन सारी साजिश के पीछे जो एक्चुअल हाथ था वो बॉबी देओल के कैरेक्टर का था। अनिल कपूर के कैरेक्टर पे गोली उसी ने चलवाई थी, और ऐसे में रणबीर रश्मिका से और अपने दोनों बच्चों से एक सॉर्ट ऑफ गुड बाय कहता है, क्योंकि वो बॉबी देओल के कैरेक्टर को मारने जा रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद से वो वापस ना आ पाए। इसके बाद वो फाइनली बॉबी देओल को मारने निकल जाता है, जहां पे प्लेन के सामने वाला सीक्वेंस होता है जहां पे दोनों शर्टलेस होकर एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर जब वो फाइनली वापस आता है तो बिल्कुल खून से रंगा हुआ होता है। उसको इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अपने फादर पे अटैक करने वाले को उसने फाइनली मार गिराया है, और इस तरीके से अपने फादर का वैलिडेशन जिसके लिए वो बचपन से तरस रहा था वो भी उसको फाइनली मिल गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उसके बाद ट्रेलर का पहला सीन होगा जिसमें कहानी में सबसे बड़ा वाला ट्विस्ट आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉबी देओल के साथ जब रणबीर कपूर के कैरेक्टर की लड़ाई होती है तो उसके आंखों में एक स्कार पड़ जाता है, और वही स्कार इस ट्रेलर के पहले सीन में भी है, विच मीन्स कि ये स्कार बॉबी देओल से फेस ऑफ के बाद का है। उसके बाद वो फाइनली अपने फादर से कहता है कि आप बेटा बनिए, मैं बाप बनता हूं। यहां पे वो वाला डायलॉग होता है
कि सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। अब वो सीन मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इस फिल्म का सबसे बड़ा वाला हाईलाइट सीन होगा, क्योंकि उस सीन में ऑडियंस के ऊपर एक ट्विस्ट देख के मारा जाएगा, और वो ये होगा कि प्रोबेबली रणबीर एक बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा था। ये कैसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान की दो अल्टरनेट पर्सनालिटीज बन जाती है और वो इंसान खुद भी इस पर्सनालिटी से अवेयर नहीं होता है। और यहां ऐसा दिखाया जा सकता है कि रणबीर के खुद के कैरेक्टर की भी दो पर्सनालिटीज बन गई थी, एक वो पर्सनालिटी जो डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उन पे कोई खरोच भी नहीं आने दे सकता था और उनकी वैलिडेशन को कॉन्स्टेंटली सीख कर रहा था, और वहीं उसका माइंड एक अल्टरनेट यानी एक दूसरी पर्सनालिटी भी फॉर्म करता है जिसको डैड से थोड़ी बहुत नफरत होती है, और वो इसी वजह से कि बचपन में उसके डैड ने उसको अटेंशन नहीं दी। और वो पर्सनालिटी जो होती है वही बॉबी देओल की पर्सनालिटी होती है, जिसका क्लियर रेफरेंस देखेंगे कि रणबीर कपूर और बॉबी देओल का जो लुक है फिल्म में वो काफी हद तक सेम है, एंड एग्जैक्टली वही पर्सनालिटी होती है जिसने अनिल कपूर पे अटैक किया होता है ताकि एक तरफ वो अपने डैड को हार्म कर सके और वहीं दूसरी तरफ से उसकी जो रियल पर्सनालिटी है उससे वो अपने डैड को बचा ले और बचपन से जो वैलिडेशन वो सीख कर रहा था वो फाइनली उसको मिल जाए। और शायद इसी वजह से रश्मिका का कैरेक्टर रणबीर से कहता है कि यू आर फाइटिंग घोस्ट इन योर हेड। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इनिशियली हमें ऐसा दिखाया जाए कि बॉबी देओल के कैरेक्टर ने उन पर अटैक कराया था, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में जब बहुत सारे रेवलेशन हो तब ये बताया जाए कि बॉबी देओल का कैरेक्टर तो एग्जैक्टली एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो कैरेक्टर रणबीर ने सिर्फ अपने माइंड में क्रिएट किया था और वो खुद भी इस बात से अनअवेयर था क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में आपको अपनी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी का पता नहीं होता है। वैसे फाइनली आपको बता दूं कि बॉबी देओल के कैरेक्टर का इस फिल्म में कोई भी डायलॉग नहीं है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो सिर्फ और सिर्फ रणबीर के माइंड में एग्जिस्ट करता हो और उसके अंदर का जो एनिमल है वो एक्चुअली में बॉबी देओल ही हो।